नमस्कार, वीकेबी न्यूज की खास पेशकश में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं देश प्रदेश और दुनिया की कुछ खास खबरें। रापा प्रमुख व वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर फिल्म बनाई और सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया, तो हाल में पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात के खास मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पवार की यह सक्रियता फिलहाल अपनी पार्टी के नेताओं को ईडी के शिकंजे से बचाने को लेकर जारी है। वहीं कोल्हापुर उत्तर विधानसभा पर उपचुनाव के प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना आगामी उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्योंकि उनकी पार्टी जताई गई प्रतिबद्धता का सम्मान करती है और वह पीठ में छुरा घोंपने वाली नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर हुए हमले की तीखी निंदा की और कहा कि इस हमले के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। इस बीच एक बुरी खबर है, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का देर रात निधन हो गया। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। राकापा प्रमुख व वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। पवार ने कहा कि एक शख्स ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर फिल्म बनाई। इससे पता चलता है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं। जब मुसलमान बहुसंख्यक होता है तो हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया। आरोप लगाया कि धार्मिक आधार पर समाज में दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल शरद पवार अमरावती में पार्टी समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। जब भी एक छोटा समुदाय समस्याओं से घिरा हुआ होता है तो बहुसंख्यक उन पर हमला करता है। आज यह असुरक्षा पैदा करने के लिए एक सुनियोजित साजिश हो रही है। देश में सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ रही है। भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। आज हिंदुओं और मुस्लिमों में एक दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। यह गंभीर बात है। इसलिए जो लोग समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने में विश्वास करते हैं उन्हें साथ आना चाहिए। राकापा लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ संघर्ष करने को तैयार है। प्रधानमंत्री से शरद पवार की जब भी मुलाकात होती है तो अचानक कयासबाजी का दौर बढ़ जाता है। चूंकि इस वक्त महाराष्ट्र के गठबंधन में भी सब कुछ सहज नहीं है, इस वजह से दिल्ली में शरद पवार की सक्रियता ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल इसके पीछे उनकी मंशा यह बताने की थी कि उनके पास यह भी एक ऑफर है। वैसे पवार को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जाता है कि मोदी से उनकी मुलाकात प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा होती है। जब भी उनकी उनके ही खेमे यानी विपक्ष में नहीं सुनी जा रही होती है या उन्हें कुछ मनवाना होता है तो वह मोदी से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। तमाम बार वह मोदी से मुलाकात की जो वजह बताते हैं वह आसानी से इसलिए पचने वाली नहीं होती। माना जा रहा है कि पवार की सक्रियता फिलहाल अपनी पार्टी के नेताओं को ईडी के शिकंजे से बचाने को लेकर है। ईडी का शिकंजा एनसीपी पर बढ़ता जा रहा है। उसके 2 प्रमुख नेता जेल में है। लगभग 1 दर्जन दूसरे नेताओं के खिलाफ जांच जारी है। देर सवेर उन सभी को भी जेल जाना पड़ सकता है। इस वजह से पार्टी पर बढ़ते संकट को उनके लिए खत्म कराना जरूरी हो गया है। संकट को खत्म कराने के लिए पवार बीजेपी के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने बीच का रास्ता निकालने का सुझाव भी दिया है। बीच का रास्ता यह हो सकता है कि अगर ईडी एनसीपी नेताओं पर चल रही जांच को ठंडे बस्ते में डाल दे तो एनसीपी भी बीजेपी के खिलाफ हमलावर तेवर छोड़ देगी। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार जयश्री जाधव के प्रचार अभियान में डिजिटल माध्यम से मुख्यमंत्री ठाकरे शामिल हुए। इस मौके पर ठाकरे ने कहा कि शिवसेना आगामी उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्योंकि उनकी पार्टी जताई गई प्रतिबद्धता का सम्मान करती है और वह पीठ में छुरा घोंपने वाली नहीं है। बीजेपी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सन 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना की हार के लिए बीजेपी जिम्मेदार थी, क्योंकि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। साल 2019 के मुकाबले में साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस के वोट बढ़ गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि शिवसेना प्रत्याशी बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद भी हार गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सवाल किया कि उद्धव ठाकरे को जब पता था कि कोल्हापुर की सीट पर बीजेपी ने बेवफाई की है तो 2014 की सरकार में वह शामिल क्यों हुई। गौरतलब है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों कहा था कि शिवसेना अब हिंदुत्व का लक्ष्य रखने वाली शिवसेना नहीं रही, जबकि हिंदुत्व और विकास बीजेपी के साथ कोई आज से नहीं जुड़ा है, शुरू से जुड़ा है। हिंदुत्व बीजेपी की सास है।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर हुए हमले की तीखी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शरद पवार के घर पर हुए हमले के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। आठवले ने प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के हड़ताली कर्मचारियों ने शरद पवार के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया था। हड़ताली कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए थे। इस दौरान वहां जमकर बवाल हुआ था। इसके बाद से प्रदेश के सीनियर नेता के आवास की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस मामले में कहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र ही नहीं देश के वरिष्ठ नेता है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन करने की घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार के अधीन SC/ST मंडल के कर्मचारियों की समस्याएं जायज है। कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उद्धव ठाकरे सरकार को समय से निस्तारण करना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार की पुलिस भी हमले को रोकने में फेल रही। आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। इस मामले में शरद पवार ने हड़ताली कर्मचारियों को उकसाए जाने का आरोप लगाया है। नए हफ्ते की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर के साथ हुई। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और स्क्रीन राइटर शिवकुमार सुब्रमण्यम का देर रात निधन हो गया है। अभिनेता के निधन की खबर सामने आते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शिवकुमार के निधन की वजह के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस खबर पर दुख जाहिर करते हुए बीना सरवर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बहुत ही दुखद खबर। बेटे जहान की मौत के ठीक 2 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। उनके बेटे जहान को ब्रेन ट्यूमर था। 16वें बर्थडे से पहले ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार 11 अप्रैल सोमवार को सुबह 11 बजे मोक्षधाम हिंदू स्मशान भूमि में किया जाएगा। शिवकुमार सुब्रमण्यम आखिरी बार बीते साल आई फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में नजर आए थे। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा मुख्य किरदार में थी। इसके अलावा अभिनेता कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं। साथ ही वह कुछ फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिख चुके हैं। एक्टर ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा और सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी का स्क्रीन प्ले लिखा था। अपने शानदार करियर के दौरान उन्हें परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी से सम्मानित किया गया। इनके अलावा शिवकुमार 2 स्टेट्स, 3 पत्ती, प्रहार और रानी मुखर्जी स्टारर हिचकी में भी नजर आए थे। शिवकुमार सुब्रमण्यम ने टीवी शो मुक्ति बंधन में भी काम किया था। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान देश के 6 राज्यों में भारी बवाल हुआ। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट के हैक होने के बाद सोमवार को यूपी सरकार का ही आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक कर लेने की घटना हुई। वही तिरुमला तिरुपति देवस्थान को पहली बार विदेशों में भूमिदान मिल सकता है। इसे फाइनल करने के लिए पहले मंदिर ट्रस्ट ने इस पर अध्ययन करने का फैसला लिया है। इस बीच गुजरात के भरूच जिले में आज केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। तो उधर देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए सोमवार सुबह से सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अभी 36 लोग अलग अलग ट्रॉलियों में लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान देश के 6 राज्यों में भारी बवाल हुआ। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शोभायात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव किया। गुजरात के साबरकांठा, आनंद और द्वारका में उपद्रवियों ने भारी बवाल किया। साबरकांठा में रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद की शोभायात्रा पर हमला हुआ। कई गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आनंद जिले में शोभायात्रा के दौरान पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। द्वारका में भी उपद्रवियों ने शोभायात्रा को निशाना बनाया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मचानताला पेट्रोल पंप मोड़ के पास स्थित मस्जिद के सामने से निकल रहे जुलूस पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। झारखंड के लोहरदगा जिले के हिरही भोक्ता बगीचा इलाके के पास जुलूस में शामिल लोगों पर धारदार हथियारों से हमले किए गए।
मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी का जुलूस शुरू ही हुआ था कि उपद्रवियों ने डीजे को लेकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते पथराव होने लगा। जेएनयू में रामनवमी पर पूजा को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच हिंसा भड़क गई। दरअसल कावेरी हॉस्टल में कुछ छात्र रामनवमी पर पूजा कर रहे थे, इसी दौरान वामपंथी छात्र नेताओं ने रोजा इफ्तार पार्टी शुरू कर दी, नॉनवेज मंगवा लिया। इस पर मामला भड़क गया। कर्नाटक के कोलार में भी रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान पथराव हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट के हैक होने के बाद अब सोमवार को यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। अकाउंट से थोड़ी देर के भीतर ही 30 से ज्यादा फर्जी ट्वीट किए गए। ट्विटर अकाउंट की डीपी भी बदलकर हैकर्स ने किसी कार्टून का लगा दिया था। साथ ही एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स और रीट्वीट्स भी किए गए। हालांकि अकाउंट को तुरंत रिस्टोर भी कर लिया गया है, लेकिन हैकर ने करीब 15 मिनट में 500 से अधिक ट्वीट किए, साथ ही करीब 5000 लोगों को टैग किया। हैक किए गए ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट कई वेबसाइट ने फ्लैश किए थे। इनसे पता चला कि हैकर्स ने अकाउंट में लगी प्रोफाइल फोटो को कार्टून से बदल दिया था। देर रात जानकारी मिलते ही सीएम ऑफिस की सोशल मीडिया टीम एक्टिव हुई और रात करीब 1 बजे इस हैंडल को एक बार फिर अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उसे रिस्टोर करने की कार्रवाई शुरू की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि साइबर एक्सपर्ट्स पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपियों पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने थाने में आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई है। डीजीपी ऑफिस की साइबर टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें अभी किसी बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं। यह स्थानीय स्तर पर ही की गई शरारत है। पुलिस कुछ सुराग पाने में सफल रही है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को पहली बार विदेशों में भूमिदान मिल सकता है। इसे फाइनल करने के लिए पहले मंदिर ट्रस्ट इस पर अध्ययन करेगा। तिरुपति के सांसद डॉक्टर एम गुरुमूर्ति, बिजनेस नेटवर्क कैबिनेट समूह के संरक्षक सदस्य और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य डॉक्टर एस शंकर समूह के उपाध्यक्ष ने हाल ही में चेन्नई में व्यापारिक नेताओं और एनआरआई के एक समूह से मुलाकात की और टीटीडी के विकास के लिए उनका समर्थन मांगा। सेशेल्स में बसे भारत के एक विदेशी नागरिक रामकृष्ण पिल्लई ने सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में टीटीडी को भूमि दान करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। तिरुपति के सांसद डॉक्टर गुरुमूर्ति और टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य डॉक्टर शंकर ने तिरुपति में आयोजित बैठक में दान प्रस्ताव की जानकारी दी। रामकृष्ण पिल्लई ने बताया कि सेशेल्स में एक बड़ी हिंदू आबादी है और वहां के हिंदू समुदाय ने पहले से ही भगवान गणेश का एक मंदिर बनवाया था, जो बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा था। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले यहाँ सबसे कम आबादी है। रामकृष्ण पिल्लई ने टीटीडी से अपील की कि मैं सेशेल्स में विक्टोरिया में 4 एकड़ की प्रमुख भूमि दान करना चाहता हूँ, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है, और मंदिर निकाय से सेशेल्स में भगवान वेंकटेश मंदिर बनाने का अनुरोध करता हूँ। वर्ष 1974 से 2022 तक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को कुल 1128 संपत्तियों में से 172 कृषि भूखंड है, जबकि शेष 815 गैर कृषि भूखंड है। गुजरात के भरूच जिले में आज केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। घटना अहमदाबाद से करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 3 बजे हुई। भरूच एसपी लीना पाटिल के मुताबिक मजदूर एक रिएक्टर के पास काम कर रहे थे, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया। हादसे में सभी की मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त ओम ऑर्गेनिक कंपनी में डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रही थी। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही धुएं के गुबार दिखाई दे रहे थे। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, मगर कंपनी का सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के मुताबिक ओम ऑर्गेनिक फैक्ट्री 1.5 साल पहले ही शुरू हुई है, जिसमें केमिकल मिक्सिंग के कई प्लांट है। हादसे में मृतक के परिवार के सदस्य वसंत वसावा ने कहा कि हमें सुबह करीब 4 बजे कंपनी से आग लगने के बारे में फोन आया और कहा गया कि हमारे रिश्तेदारों के शव नहीं मिले हैं, लेकिन जब हम पहुंचे तो पता चला कि वे बॉडी ले गए थे। बता दें कि भरूच के ही दहेज में यशस्वी केमिकल फैक्ट्री में भी 2 साल पहले बॉयलर ब्लास्ट हो गया था, जहां 8 लोगों की मौत हो गई थी और 52 लोग घायल हुए थे। वहां लगी आग को बुझाने में दमकल की 10 गाड़ियां लगी थी। केमिकल रिएक्शन के चलते आसपास के गांव से 5000 लोगों से घर खाली करवाए गए थे। पिछले साल फरवरी में भी भरूच में ही फास्फोरस बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में धमाके के साथ आग लगी थी।
देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सोमवार सुबह से सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अभी 36 लोग अलग अलग ट्रॉलियों में लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। रविवार शाम हुए इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने रविवार रात को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रात होने की वजह से ऑपरेशन बंद करना पड़ा। सोमवार सुबह से सेना के हेलीकॉप्टर ट्रॉलियों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में फिर जुटे। करीब 20 घंटे बाद 12 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। अब भी 36 लोग हवा में लटके ट्रॉली में फंसे हैं। तारों के जाल के कारण एनडीआरएफ और सेना के कमांडो रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। कमांडो दो ट्रॉली के गेट खोलने में कामयाब हो गए। ऑपरेशन में एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर लगे हैं। बता दें कि रविवार शाम लगभग 6 बजे देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे का एक तार टूट जाने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद 18 ट्रॉलियों में 48 श्रद्धालु फंसकर हवा में लटक गए थे। रात भर लोग रोपवे की ट्रॉली में बैठे हवा में लटके रहे, एक दूसरे से बात करके डर को खत्म किया। सुबह करीब 6:30 बजे वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा, इसमें कमांडो भी मौजूद है। हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले हवाई सर्वे किया। हवा में अटके ट्रॉली में फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे उतारने की योजना तैयार की गई। केबिन जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर है, लिहाजा ऑपरेशन शुरू करने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। नेपाल की सरकार ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, तो पाकिस्तान में उथल पुथल मची है। अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान एक बड़ा संकट पैदा करना चाहते थे ताकि वह सत्ता में बने रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि इमरान खान का फोन टैप हो गया और पूरी सूचना सेना को लग गई। इस बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने इमरान खान को PM पद से अपदस्थ करने के खिलाफ लाहौर के लिबर्टी चौक पर विरोध रैली निकाली। उधर कोरोना वायरस की सख्ती के 2 साल बाद सऊदी अरब ने इस साल हज में शामिल होने के लिए देश के बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। साल 2022 में हज यात्रियों की संख्या 10 लाख तय की गई थी। वहीं फ्रांस में हो रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव के तहत रविवार को पहले दौरे का मतदान हुआ। 24 अप्रैल को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आर्थिक संकट का सामना कर रहे नेपाल की सरकार ने बीते दिनों एक असाधारण कदम उठाया। वहां की सरकार ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने को लेकर अधिकारी और देश के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार के कार्यकाल में अधिकारी को 6 अप्रैल 2020 को NRB का 17वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। NRB के गवर्नर को निलंबित करने का यह दूसरा मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भंडारी की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था, जिसके बाद शुक्रवार को नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। NRB की डिप्टी गवर्नर नीलम धुंगाना तिमिसिना को कार्यवाहक गवर्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों ने बताया कि नेपाल की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार की पृष्ठभूमि में अधिकारी और वित्त मंत्री के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। NRB ने पिछले हफ्ते वाहनों और अन्य महंगी या लग्जरी वस्तुओं की आयात पर रोक लगाने की घोषणा की थी। यह कदम नकदी की कमी और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण उठाया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को राजनीतिक उथल पुथल के बीच सत्ता से बाहर हो गए। इमरान खान ने आखिरी समय सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एक गलती उन्हें भारी पड़ गई। ताजा खुलासा हुआ है कि इमरान खान ने विपक्षी दलों के गठबंधन को सत्ता सौंपने की बजाय पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दे दी थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना को समय रहते इमरान के इस मंसूबे की जानकारी हो गई और उनका यह प्लान धरा का धरा रह गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दिन इमरान की पार्टी ने 14 घंटे की देरी की। इसके बाद भी दाल नहीं गली तो इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को बर्खास्त करने का प्रयास किया ताकि सेना कब्जा कर ले और मार्शल लॉ देश में लागू हो जाए।
मगर जनरल बाजवा को इसकी सूचना लग गई और उन्होंने इस पूरी योजना को विफल कर दिया। इमरान खान एक बड़ा संकट पैदा करना चाहते थे ताकि वह सत्ता में बने रहे। बताया जा रहा है कि इमरान खान का फोन टैप हो गया और इससे उसकी सूचना सेना को लग गई। हालांकि देश का एक बड़ा तबका इस घटनाक्रम से गुस्साया हुआ है। पाकिस्तानी युवा देश के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर भड़के हुए हैं। कुछ लोग तो उन्हें मीर जाफर भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बाजवा बुरी तरह ट्रेंड हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थकों ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष इमरान खान को हटाने के खिलाफ लाहौर के लिबर्टी चौक पर एक विरोध रैली निकाली। रविवार को रात 9 बजे शुरू हुई और सोमवार सुबह 3 बजे तक चली रैली के दौरान महिलाओं और बच्चों समेत पीटीआई के समर्थकों ने खान के साथ एकजुटता दिखाई। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, विहारी, झेलम और गुजरात जिलों सहित पंजाब प्रांत के अन्य हिस्सों से भी बड़ी सभाओं की सूचना मिली। इस्लामाबाद और कराची में भी पीटीआई समर्थकों की बड़ी भीड़ उमड़ी। रविवार रात 9 बजे के बाद अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और खान के आह्वान पर कई घंटों तक जारी रहा। धरना का नेतृत्व पीटीआई का स्थानीय नेतृत्व कर रहा था। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिसे खान अपनी सरकार को हटाने के पीछे होने का दावा करते हैं। वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा ले जाई जा रही अधिकांश तख्तियों पर लिखा था कि आयातित सरकार स्वीकार्य नहीं है। पीटीआई ने विदेशी हस्तक्षेप को खारिज करने के लिए इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उतरने के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। पीटीआई के प्रवक्ता फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए लोगों से ईशा की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। कोरोना वायरस की सख्ती के 2 साल बाद सऊदी अरब ने इस साल हज में शामिल होने के लिए देश से बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। साल 2022 में हज यात्रियों की संख्या 10 लाख तय की गई है। सऊदी अरब ने कहा कि वह देश के अंदर और बाहर के 10 लाख मुसलमानों को इस साल के हज में भाग लेने की अनुमति देगा। असल में महामारी प्रतिबंधों के 2 साल की रोक के बाद वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों में भारी वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि इस कदम ने सामान्य हज की शर्तों को बहाल करने में कमी करते हुए राज्य के बाहर कई मुसलमानों के लिए उम्मीद जगाई है। पिछले साल महज 60,000 सऊदी नागरिकों को ही हज की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा कोरोना महामारी से पहले दुनिया भर के 25 लाख लोगों को हज यात्रा करने की अनुमति दी जाती थी। एक सप्ताह तक चलने वाली हज यात्रा के दौरान मक्का और मदीना में इस्लाम के पवित्र स्थलों तक की यात्रा और साल भर में चलने वाले उमरा से सऊदी अरब महामारी से पहले हर साल $12 अरब की कमाई करता था। इस साल जुलाई महीने से हज यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए पहले से आवेदन करना पड़ेगा। हज यात्रा मुस्लिमों में काफ़ी पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हर एक मुस्लिम अपने जीवन में इस यात्रा को करना चाहता है। फ्रांस में हो रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव के तहत रविवार को पहले दौर का मतदान हुआ। 24 अप्रैल को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। रविवार को आए एग्जिट पोल से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फिर सत्ता में लौटने के आसार है। उन्हें दक्षिणपंथी प्रत्याशी व हिजाब पर जुर्माने का वादा करने वाली मरीन ली पेन मैक्रों को कड़ी टक्कर तो दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल में सत्ता से दूर नजर आ रही है। फ्रांस के टीवी चैनलों के लिए पोलिंग फर्म इप्सो सोप्रा स्टीरिया ने रविवार को हुए पहले चरण के मतदान के बाद सैंपल वोट लेकर एग्जिट पोल किया है। इसमें मैक्रो बढ़त लिए हुए उन्हें 28.1% वोट मिले हैं, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदी ली पेन को 23.3%, वही वामपंथी प्रत्याशी मेलेंकन को 20.1% वोट मिले हैं। इससे पहले हुए ओपिनियन पोल में भी मैक्रो को दोबारा सत्ता का ताज मिलने का तो भरोसा जताया गया, लेकिन 2017 की जीत के मुकाबले उनकी जीत इस बार कमजोर रहने का पूर्वानुमान जताया गया। एग्जिट पोल में भी ऐसा ही नजारा दिख रहा है। एग्जिट पोल के बाद यह भी कहा जा रहा है कि यदि वामपंथी प्रत्याशी मेलेंकन के वोट कम हुए और हिजाब या मुस्लिम कट्टरपंथ पर नकेल को लेकर ली पेन के हाल ही में किए गए वादों का असर हुआ तो मैक्रो की मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि मैक्रो खुद स्वदेश समेत दुनिया भर में मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। इन चुनावों में कट्टरपंथ बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। राष्ट्रपति मैक्रो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद बड़ी ताकत बनकर उभरे है। वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो जनाब। तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।